दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली तक आई तो थक हार कर मजबूरी में ही सही गोदी मीडिया को इसे कवर करना पड़ गया। वैसे तो इस यात्रा में राहुल गांधी ने कई चीज़ें की जो कि आज के दौर की राजनीति में अलग हैं, लेकिन उनकी एक पहल ने सबको हैरान कर दिया। कई कांग्रेसी भी हैरान थे राहुल गांधी की इस पहल से। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि दिल्ली आकर राहुल गांधी अपनी यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा करके सबको चौंका दिया। दोस्तों, राहुल गांधी के इस कदम की न केवल कांग्रेस ही बल्कि एक दौर में खांटी वाजपेयी रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने भी तारीफ की है। वाजपेयी सरकार में पीएमओ के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन रहे कुलकर्णी ने राहुल गांधी की अटल समाधि में जाकर श्रद्धांजलि देने की तारीफ करते हुए कहा, अटल जी की समाधि पर जाकर राहुल गांधी ने राजनीतिक बहादुरी दिखाई है। इसी तरह भाजपा के नेता भी नेहरू जी का सम्मान करने लगे तो भारतीय राजनीति में नकारात्मकता कम होगी, देश तेजी से आगे बढ़ेगा। तो एक दौर में वाजपेयी के खास रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने राहुल गांधी की अटल समाधि में जाने को लेकर उनकी ना केवल तारीफ की है बल्कि बीजेपी को नसीहत दी है कि वो भी अगर नेहरू जी का सम्मान करने लगे तो भारतीय राजनीति में नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, सुधींद्र कुलकर्णी को आज भले ही बीजेपी के लोग पराया समझते हैं, उन्होंने खुद को भी अलग कर लिया है बीजेपी से, आज की बीजेपी से, लेकिन वाजपेयी सरकार के दौर में ना केवल वो उनके लिए स्पीच लिखा करते थे बल्कि इंडिया शाइनिंग वाले कैंपेन का एक अहम हिस्सा भी थे। इसके बाद कुलकर्णी ने 2008 में कांग्रेस के खिलाफ आडवाणी के लिए स्ट्रेटेजी भी बनाई थी। तब आडवाणी चेहरा हो गए थे ना, पीएम का चेहरा बीजेपी के। दोस्तों, इसके अलावा जब साल 2012 में संघ ने बीजेपी की नैया पार लगाने का बीड़ा उठाया और नागपुर से सीधा नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तब भी सुधींद्र कुलकर्णी ने उनके साथ काम किया। सोचिए, ना केवल वो बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि ऐसा सम्मान आप नेहरू जी को भी दीजिए। और ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कह रहा है, वो कह रहा है जो वाजपेयी के खास रहा करते थे, वो वाजपेयी जिन्हें बीजेपी अपना आदर्श मानती है। मोदी शाह की जोड़ी भी वाजपेयी को अपना आदर्श मानती है। तो अगर सुधींद्र कुलकर्णी कोई बात कर रहे हैं और आज की बीजेपी खुद को वाजपेयी की बीजेपी मानती है तो सुधींद्र कुलकर्णी की बात सुनी जानी चाहिए। ये बात जाहिर है कि किसी भी हाल में अंधभक्तों को जाहिर तौर पर कुलकर्णी की बोली हुई बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक शिष्टाचार राहुल गांधी ने आज दिखाया है वो कोई नया नहीं है। वाजपेयी ने नेहरू के गुजरने पर भावुक होकर संसद में कहा था, आज एक सपना खत्म हो गया है, एक गीत खामोश हो गया है, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई है। ये एक ऐसा सपना था जिसमें भुखमरी, भय, डर नहीं था। ये ऐसा गीत था जिसमें गीता की गूंज थी तो गुलाब की महक थी। दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में आज भले ही हद दर्जे की कड़वाहट आ गई हो, अपशब्द आ गए हों, बेसिक रिस्पेक्ट भी राजनीतिक बयानों में अब नहीं रखी जाती हो, लेकिन हमारा मूल स्वभाव ऐसा था नहीं। वक्त के साथ हमने खुद के साथ ये सब जानबूझकर किया है, खुद बदला है अपने आप को। संसद से लेकर राजनीतिक रैलियों में बड़े बड़े नेता जो आज भाषा बोल रहे हैं वो पहले नहीं बोलते थे। अब ये बदलाव अच्छा या बुरा इसका फैसला तो खैर इतिहास करेगा, लेकिन सुधींद्र कुलकर्णी का बीजेपी के नेताओं को आईना दिखाते हुए मैसेज साफ बताता है कि राहुल गांधी ने कम से कम आज की कड़वाहट भरे नफरत के दौर में राजनीतिक शिष्टाचार तो रखा ही है। जिस तरह वाजपेयी के खास ने मोदी और बीजेपी को आईना दिखाया, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ऐसी ही खबरों के लिए जितना हो सके हर वीडियो में थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें। We'll be right back.